निजगतम पश्यन्नात्मनिमायाभूतं यस्साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वागमानां निखिलजनमनः पावनी काकिदीक्षा दीक्षा सर्वात्मदृष्टिर्निरवधिकरुणा किन्नु वात्सल्यदृष्टिः निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या ज्योतिदलितमस्तोमविद्वन्मणीनाम् श्रीपूर्णानन्दतीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठायतीनाम् सुल्लेन्दीवरकान्तमिन्दुवदनम् गर्हावसन्तम् प्रियम् श्रीवत्सान्तमुदारसौस्तुभदरम् सीताम्बरम् सुन्दरम् गोपीनाम् नयनोत्पलार्चिततनुम् गोगोपसङ्घावृतम् गोविन्दम् कलवेणुवादनपरम् दिव्याङ्गभूषणम् भजे। एक पुरानी पोथी में लिखा है क्रिया सिद्धि संस्कृत बसति महताम लोक कर्म। महापुरुषों को जो कर्म में सफलता मिलती है वो उनके उत्साह में बचती है, सामग्री में नहीं। मूल श्लोक में तत्व शब्द है तो उसका अर्थ अंतकरण भी होता है, सत्वगुण भी होता है, धैर्य भी होता है, उत्साह भी होता है। परंतु सफलता के लिए अंतकरण तो साधारण कारण है और धैर्य विपत्तियों का सामना करने का साधन है, सत्वगुण पवित्रता का साधन है, परंतु उत्साह जो है ये सफलता का साधन है। ये साहित्य में जो रस माने जाते हैं उनमें एक होता है वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह रस। जिसके मन में उत्साह बना रहेगा उसी के जीवन में वीरता प्रकट होगी, और जिसके जीवन में वीरता प्रकट होगी वो सफल होगा। क्रिया सिद्धि सत्रे बसति महता लोकतरण। आप ये मत देखिए कि आपके पास क्या वस्तु है क्या नहीं है, बस उत्साह बना रहे, उत्साह बना रहे तो साधन सामग्री आपके पास आती जाएगी। आपको मोटर भी मिल जाएगी, हम पैदल चल पड़े हरि बाबा जी के बांध के लिए तो रास्ते में बैलगाड़ी हमको अपने आप ही मिल गई। तो उत्साह नहीं खोना चाहिए जीवन में। किसी से जवानी के जो गुण बताए हैं उस निषदों में, उनमें है युवा आतिष्ठो प्रतिष्ठा। जवान आदमी में उत्साह होना चाहिए, आशा होनी चाहिए और अपने
साधन में दृढ़ता होनी चाहिए। हटेंगे नहीं, पलायनवादी होना जीवन में है, यहाँ तकलीफ पड़ी तो इसको छोड़ दिया, यहाँ तकलीफ पड़ी तो इसको छोड़ दिया, यहाँ तकलीफ पड़ी तो इसको छोड़ दिया। पलायनवादी होना जीवन में सफलता प्राप्त करने का उपाय नहीं है। आशावान होके, दृढ़ होके, उत्साह से अपने मार्ग पर चलना चाहिए। ये देखो आपको फुटकर उपदेश है, प्रकीर्ण जैसे बोलते हैं ना, बिखरे हुए मोती, तो हिंदी में बिखरे हुए जिसको बोलते हैं उसी को संस्कृत में बोलते हैं प्रकीर्ण, बिखरे हुए। ये संस्कृत में बोलते हैं ग्रहों के लिए ख माणिक्य, ख माणिक्य माने आकाश के हीरे, आकाश में जगमगाते हुए हीरे, इनको बोलते हैं ख माणिक्य। तो एक साधारण मनुष्य में और योगी में अंतर क्या है? साधारण मनुष्य के सामने अगर बुरी चीज आ जाती है उसको नापसंद, बुरी माने नापसंद, और कुछ नहीं हो, वो वस्तु जिसको नापसंद होती है उसको वो बुरा कहता है। तो बुरा आ जाए कुछ पदार्थ, तो वो उसको हटाने के लिए अपनी ताकत, अपनी शक्ति खर्च कर रहा है, और अच्छी वस्तु आ जाए तो पकड़े रखने के लिए अपनी शक्ति लगाता है। योगी की दिशा स्पष्टम स्पष्टम है, आप अभी योगी बन जाए एक मिनट, जो आसन करे तो योगी, जो प्राणायाम करे तो योगी, जो प्रत्याहार धारणा ध्यान करे तो योगी, वो नहीं, हम एक मिनट में योगी बनाने वाली बात आपको सुना। ग्राह्य ग्राहक संवित्ति ही सामान्या सर्वदेहिना, सब लोग दुनिया को देखते हैं, योगी भी और संसारी भी। ये विषय है मैं देख रहा हूं, ये दृश्य है मैं देख रहा हूं, सब देखते हैं। योगी नाम तो विशेषोयम संबंधे सावधानता, योगी में यही विशेषता है कि वो रास्ते में चलते हुए न किसी से भिड़ता है न किसी से जुड़ता है। संबंध में सावधान रहना, किसी के साथ अपने को जोड़ न लेना, बांध न देना, बस यही योगी की विशेषता है। उसको भी स्त्री स्त्री दिखती है, पुरुष पुरुष दिखता है, नोट का बंडल एक रुपए का दिखता है और 10,000 का 10,000 का दिखता है, उसको पहचानने में कोई गलती नहीं होती। पर एक चाहता है कि हम छीन लें, दूसरा चाहता है हमारे पास आ जाए, तीसरा चाहता है हमारे पास से निकले नहीं, और योगी उसको देख रहा है। संबंधे सावधानता, संबंध में सावधान रहना, यही योगी की विशेषता है। मैं मेरा नहीं करना, तू तेरा नहीं करना, देख रहा है देख रहा है, ये योगी की विशेषता। लो ये भी एक बिखरी हुई बात आपको। अच्छा लोग कहते हैं मन एकाग्र, मन एकाग्र, आपको क्या बताना है, हमारे ऐसे भी मित्र हैं जो कहते हैं कि पांव के अंगूठे का जो नाखून है ना, उसका ध्यान करो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। अब इसमें ना वैकुंठ की बात आई और ना
समाधि में दिव्य ज्योति जलाने की बात आई, ये तो बड़ी मोटी बात है। एक जोगीराज का तो कहना है, जोगी जी हैं, कि कांटा जैसे बबूल का कांटा होता है उसको ले लो और अपने शरीर में कहीं चुभो दो, सरासर अब वहां थरथराने लगेगा। उसी थरथराहट में अपना मन लगाओ, कांटा भी भूल जाए, पांव भी भूल जाए और मन एकाग्र हो जाए। तो ये सब कोई दुनिया के लोग जिन बातों को बहुत मुश्किल समझते हैं वो बहुत मुश्किल नहीं होते। ये दोनों हाथ के अंगूठे आपस में मिला दो, अच्छा ढीले न पड़े, ये ख्याल रखो कि ये जरा कसे रहे। जितनी देर आप कस के रखोगे आपका मन एकाग्र रहेगा। ये तो इसकी एक कला होती है, ये बजरोली बजरोली जो बहुत लोग करते हैं ना, उस सिवाय एक टेक्निक के और कुछ नहीं है। एक कलाकार से मूत्रेंद्रिय के क्षेत्र को बड़ा कर देते हैं और वायु खींचने में पहले पानी खींच लिया, फिर दूध खींच लिया, फिर तेल खींच लिया, फिर घी खींच लिया है, फिर साथ खींच लिया, एकदम टेक्निक है। और दुनियादार लोग समझते हैं ये कोई बड़ी भारी बात होगी, बड़ी भारी बात होगी। तो ऐसा कुछ जगह जगह महत्व और बुद्धि करने की आवश्यकता नहीं। मोक्ष भी दूसरा ही है, वो चार बातों के मत में मोक्ष दूसरा होता है ना, तो करीब करीब उससे मिलता हुआ मोक्ष उसमें होता है। योगियों का मोक्ष दूसरा, भक्तों का मोक्ष दूसरा, वेदांतियों का मोक्ष दूसरा। हाँ, ये तो महल की खास खवासी को मोक्ष मानने वाले वृंदावन में लोग रहते हैं कि नहीं, तो अपनी अद्वितीयता का जो बोध है उसका नाम मोक्ष। वैसे देखो आपको एकाग्रता की एक बात सुनाते हैं, आप अपना मन एकाग्र कर, बहुत लोग पूछते हैं आपने दांत को लगने मत दीजिए और रोड बंद रखिए, दांत नीचे वाले ऊपर वालों को, ऊपर वाले दांत नीचे वालों को छुए नहीं और मुंह बंद रहे, और जीभ को अधर में लटका दो, न जीभ तालू को छुए और न नीचे बैठे। जो मध्य में आकाश जो है ना, मुंह में जो पोल है उस पोल में जीव को खड़ी कर दो। अब लो हम शर्त या कहते हैं कि जितनी देर आपकी जीव नीचे ऊपर किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करेगी उतनी देर आपका मन बिल्कुल एकाग्र रहेगा। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं तंत्र, टेक्निक, मन एकाग्र करने की टेक्निक होती है। संप्रदाय इमं भद्रे तृणु वक्ष्यामि ते तथा समाधिर जायते शीघ्रम नेत्रयो सप्रमात्रयो। लो समाधि, समाधि ये है कि आपकी जो आंख की पुतली है वो जहां की तहां रह जाए, न ऊपर जाए न नीचे जाए, न दाहिने न बाएं, न तिरछा देखे न नीचे देखे न ऊपर नीचे देखे, जहां है वहां रहने दो। जब तक उसको आप हिलाओगे नहीं आपका मन एकाग्र रहेगा। तो भक्ति भाव में विशेषता ये है, उसमें आसन की प्राणायाम की विशेषता नहीं है, विशेषता ये है कि आप मन अपना एकाग्र करते कहां है। मैं आपको क्या सुनाऊं, आपके मन में कभी क्रोध आता है कि नहीं? क्रोध आता है ना, तो जिस पर क्रोध आया है उसको रहने दीजिए,
आए क्रोध आवे मन में तो कहिए कि हे क्रोध जी, आप बड़े प्रेम से हमारे घर में आए हैं, मेहमान हैं, अब जाइएगा मत, आप हमेशा रहिए। आप आए हुए क्रोध से प्रार्थना कीजिए कि हे क्रोध देवता, अब जाना मत, ठहर जा। अब तुरंत ही छान पघा तोड़ाने लगेगा भागने के लिए कि मैं तो जाता हूँ। आप थोड़ी देर उसको रोक के देखिए, रोक लेंगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा और नहीं तो क्रोध भाग जाएगा। ये है वो, ये बात साधुओं से सीखने की होती है। क्रोध क्रोध को आप टिकाओ, दो मिनट टिका के देखो, अब जाना कभी मत, बस हमेशा के लिए रहो हमारे मन में। दुश्मन को बाहर रहने दीजिए और आप क्रोध को पकड़ के अपने पास रखिए, रहे हमारे पास। आज जाएगा, टिकेगा ही नहीं, यहाँ तो हमारे बंधन है। तो भक्ति में विशेष बात ये है कि आप मन को भगवान में एकाग्र कीजिए। देखो भाई, हमको रात को जहाँ कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, रात में नींद टूट गई और शरीर में उत्तेजना हो गई, क्यों हुई? बाहर तो कोई निमित्त नहीं है, केवल भीतर से उत्तेजना क्यों निकली? वो मन में भरी हुई चीज ही तो निकली ना। ये काम जो आता है मन में, जो भीतर भरा है सो ही आता है। क्रोध आता है मन में, जो भीतर भरा है सो ही आता है ना। और ये जो डर लगता है, न भूत न प्रेत है ना, न भूकंप आ रहा है, न छत गिर रही है, न दुनिया का प्रलय आ रहा है। एक साधु था महाराज बनारस में, उसने अपने भक्तों को डरवा दिया, आश्विन कृष्ण अमावस्या को 5 बजे शाम को महाप्रलय होने वाला है। सच्ची बात आपको सुना था, और सब भक्तों ने ला ला के अपना सर्वस्व उसको भेंट कर दिया और धोती पहन पहन के गंगा किनारे बैठे कि अब आता है महाप्रलय, अब आता है महाप्रलय। और गुरु जी महाराज लापता हो गए, महाप्रलय तो नहीं आया। तो ऐसे ये दुनिया में हम लोग जो अपने मन को खुद ही डराते हैं ना कि कल ये ना हो जाए, परसों ये ना हो जाए, है ना, हमारी पत्नी बेवफा न हो जाए, हमारा पति पराए घर में न चला जाए, ये डर डर के कुछ बनाते तो नहीं है, अपने मन को व्याकुल करते हैं, अपने मन में दुख भरते हैं। ये जब मन में संशय आशंका आता है तो हमारे मन को दुखी करता है, उसमें बाहर कुछ नहीं है, सब भीतर है। एक बार मैं कर्णवास में था, श्री उड़िया बाबा जी महाराज से उन दिनों भेंट नहीं हुई थी, तो जब भजन करने के लिए बैठता राधा पक्के घाट पर राधा कृष्ण के मंदिर में, तो हमको लगता कि हमारी माँ सामने खड़ी है और उसकी आंखों से टपाटप आंसू गिर रहे हैं और वो बहुत व्याकुल हो रही है। अब वो भजन करने बैठे हैं कृष्ण का और माँ आके रोने लगे सामने, तो मैं जाने के लिए तैयार हुआ। एक महात्मा ने कहा कि देखो, तुम्हारी माँ तो बहुत खुश है, ये तुम्हारा मन ही है जो माँ बन के रोता है। और सचमुच महाराज, मैं घर गया तो मेरी माँ तो बहुत खुश थी, उसको ये ख्याल था कि वो बिहार में हमारे शिष्य लोग रहते हैं, मैं उनके पास गया हूँ और लौटूंगा तो खूब भेंट पूजा लेके लौटूंगा, घर में आमदनी बढ़ेगी, वो तो खुश थी। और हमारा मन माँ बन के रोता था। तो ये जो बहुत सारे भय आते हैं हमारे मन में, काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, ये जब हमारा मन खाली होता है ना, तो खाली मन शैतान का घर, ये सब शैतान हैं, काम क्रोध लोभ भय मोह। इसका अर्थ यह है कि हमने अपने मन को भर के नहीं रखा है,
तो आओ अपने मन को जरा हरें। ये योग से भी बढ़िया उपाय है और सुगम है। श्रीधर स्वामी कहते हैं बहुत सुगम है, और वल्लभाचार्य कहते हैं कि इसमें सब उपायों का समावेश है, इसमें सब आ जाते हैं। तो क्या है, सुगम है ये श्रीधर स्वामी, और सब उपाय इसी में आ जाते हैं ये आचार्य वल्लभ। वो उपाय क्या है, श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः एवं व्रतः स्वप्रियनाम कीर्तिया जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः असत्यथोरोदितिरौति गायत्युन्मादवं नृत्यति लोकवाज्यः। श्रृण्वन् सुभद्राणि, लो आपको गाने की तकलीफ नहीं देते, आप कीर्तन मत कीजिए, सुनिए। सुनने में क्या तकलीफ है, हर लगे न फिटकरी रंग चौखाव। सुनने वाले को तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बोलने वाले को तकलीफ उठानी पड़ती है, उसकी तो ताकत लगती है, और सुनने वाले के कान में तो ऐसे ही घुसता है। कान का पेट इतना बड़ा है कि वो कभी भरता नहीं, और भगवान की कथा में इतना स्वाद है कि उसमें कभी अरुचि होती नहीं, और भगवान की कथा इतनी बड़ी है कि वो कभी खत्म होती नहीं। किसी भी वस्तु से अरुचि तीन कारण से होती है, या तो पेट भर जाए, या तो उसके स्वाद में अरुचि हो जाए, और या वस्तु ही समाप्त हो जाए तो छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान की कथा तो कभी समाप्त होती नहीं है, और उसका स्वाद कभी बिगड़ता नहीं है, और पेट कभी भरता नहीं है। कान का पेट आकाश, आकाश का पेट कभी भरता नहीं है। तो आइए स्वाद स्वादु पदे पदे, आपकी कभी अरुचि नहीं होगी। सुनिए कि क्या सुने, एक बात, ये प्रश्न करने वाले बड़ा उल्टा करते हैं प्रश्न हो कभी। वो कहते हैं कि भगवान को आपसे देखा नहीं तो उनसे प्रेम कैसे करें। तो असल में आंख से देख देख के आपने दुनिया में इतना प्रेम जोड़ रखा है कि आपको लिस्ट बनाने को कह देना कि किससे किससे आपका प्रेम है, तो आप बना नहीं सकते कभी। अगर कोई स्त्री कहे कि हमारा तो हमारे पति से प्रेम है, तो हम उससे पूछेंगे बच्चे से, तो कहेगी ना कि बच्चे से भी है। ऐसा फिर पूछो भाई से, तो भाई से भी है। अरे महाराज, फिर तो उसमें दादा नाना परनाना सब आ जाएंगे। कोई अपने प्रेम के विषय का की लिस्ट नहीं बना सकता। तुम्हें फूल भी प्यारा है, तुम्हें गंध भी प्यारी है, तुम्हें भोजन भी प्यारा है, तुम्हें सुंदरता भी प्यारी है, तुम्हारे प्रेम के तो हजार विषय हैं। ये इंद्रियों से देख देख करके देखी हुई चीजों में तो तुमने इतना प्रेम फेंक रखा है, बिखेर रखा है, कि यदि तुम देख के ही प्रेम करना चाहते हो तो भगवान भी हजार बार तुम्हारे सामने आए तो कहोगे कि नहीं और दूसरा रूप धारण, आज पोशाक जरा बदल लो, भगवान से ऐसे कहोगे। इसलिए उस भगवान से प्रेम करो जो तुम्हारी आंख के सामने नहीं है, बोला अनदेखे भगवान से प्रेम करो। जब अनदेखे भगवान से प्रेम होगा तो उसका फल क्या होगा, कि ये देखी हुई चीजों में जो प्रेम फंसा है ना, वो इधर से हटेगा। असल में भगवान का से प्रेम देख देख कर करने का नहीं है,
देखी हुई चीजों से जो हमारा प्रेम जुड़ा हुआ है उसको समेट कर एक और ले जाने के लिए है। तो ये प्रश्न तो बिल्कुल ही गलत है और निराधार है कि हम भगवान को देखें तब उससे प्रेम करें। अरे देखी हुई चीजों में बहुत प्रेम कर चुके हो, अब आओ जरा सुनी हुई चीज में प्रेम करो। श्रेणवन सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि। बोले महाराज जी के क्या सुने, जिसको देखा नहीं है उसका जन्म सुनो, जिससे कभी मिले नहीं हो उसका कर्म सुनो। तो असल में होता यह है कि अनदेखी चीज की जब हम तारीफ सुनते हैं ना तो उसके खाने का मन होता है, उससे मिलने का मन होता है, उसको देखने का मन होता है। जब लोग आके वर्णन करने लगते हैं कश्मीर बहुत बढ़िया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके मन में वहां जाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है। तो तुम्हारे मन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक इच्छा उत्पन्न करनी है, एक लालसा उत्पन्न करती है। अनमिले साजन से प्रेम करो और अनदेखे रास्ते से चलो। तुम्हारी वीरता बढ़ेगी अनदेखे रास्ते पर चलने में, श्रद्धा आवेगी, गौरव का भाव आवेगा। अनदेखे रास्ते पर चलो और अनमिले साजन से प्रेम करो। सब दुनिया में जो हमारी प्रीति भटक रही है वो इधर से अपना मुंह मोड़कर उधर की ओर लगेगी। इसी से भक्ति में दर्शन की प्रधानता नहीं है, श्रवण की प्रधानता है। श्रेणवन सुभद्राणि, एक होता है भद्र परिणाम में मंगलकारी, उसको भद्र बोलते हैं, और एक होता है सुभद्र श्रवण के समय ही हमारे मन को वासना से मुक्त करने वाला। तो भगवान का जन्म और भगवान का कर्म, गीता तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। हम किसी भी भारतीय से इतने निराश तो नहीं होते कि वो कभी गीता ही न देखता हो। महाराज भारतवर्ष में पैदा हो और गीता न पढ़े तो समझ लो कि उसमें भारतीयता जो है वो आभास मात्र ही है। वास्तविक में हमारे एक बड़े विद्वान भारतवर्ष के जर्मन में गए थे, जर्मनी, वहां के एक विद्वान से मिले तो उसने गीता की चर्चा प्रारंभ की। अब उसने देखा कि इनकी समझ में नहीं आता है कि आपने गीता पढ़ी है, तो इन्होंने कहा एक दो बार पढ़ी है। उसने कहा कि मैंने तो 90 बार सांगोपांग गीता का अध्ययन किया है महाराज वहां का। शर्म आनी चाहिए कि नहीं? शर्म आनी चाहिए। तो सुभद्राणी का अर्थ है जन्म कर्म च मे दिव्याम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्जुन। भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, माने कर्मानुसार भगवान का जन्म नहीं है और पाप पूर्ण जनक भगवान का कर्म नहीं है। भगवान का जो जन्म है वो पाप पूर्ण रूप कर्म के अनुसार नहीं हुआ है, और वे जो कर्म करते हैं उससे पाप पूर्ण रूप फल की उत्पत्ति नहीं होती। वो तो दिव्य है, दिव्य है माने जितनी देर दिखते हैं उतनी देर है,
दिव्य अर्थ, दिव्य का अर्थ है कि जितनी देर आप उनका अनुभव करते हैं उतनी देर वो है, वो तो आपके हृदय को दिव्य बनाने के लिए हैं। तो जब उनका आप श्रवण करते हैं तो दुनिया का ख्याल छूट जाता है और भगवान का ख्याल अपने हृदय में भर जाता है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की जो वासनाएं हैं वो शांत हो जाते हैं। कितना पवित्र समय होता है वो मनुष्य के जीवन में जब वो संसार की वासनाओं से निर्मुक्त होकर भगवत संबंधी जन्म का कर्म का जो कि हमारे लिए साक्षात मंगलमय है उनका श्रवण करता है। बोले भाई पढ़ा लिखा हो तो दिव्य जन्म कर्म का श्रवण करे, ये भागवत धर्म से जानी लोके गीता ने शास्त्र की बातें ही काट दी बिल्कुल। वो कहते हैं कि दुनिया में जो मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, लोके जानी गीतानी तानी जन्मानी कर्माणी, दुनिया में लोग गाते हैं, जैसे ब्रज में रसिया गाते हैं, पूरब में पूर्विया गाते हैं, कहरवा गाते हैं कि नहीं, कहार लोगों का जो है ना कहरवा होता है, तेली लोग नयकवा गाते हैं, अहीर लोग बिरहा गाते हैं। जैसे ब्रज में रसिया है वो ऐसे गांव गांव में, जिला जिला में, प्रदेश प्रदेश में, वहां वहां की भाषा में, मराठी में, गुजराती में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में, असमिया में, मैथिली में, पहाड़ी में, जो भगवान के चरित्र गाए हुए हैं उन्हीं को सुनिए ना, इसमें पंडिताई की क्या बात है। देखो वो मन को हटाने में समर्थ है। जहां आपका मन फंस गया है, अभी एक आदमी दलदल में फंस गया हो, दलदल तो आप जानते हैं ना, पानी के किनारे जहां जमीन ऐसी गीली हो जाती है कि आदमी उसमें फंस जाए और निकलने की कोशिश करे तो और फंसे, निकलने की कोशिश करे तो और फंसे, तो उसको किसी ने रस्सी फेंकी कि भाई तू ये रस्सी का सिरा पकड़ ले, हम खींच लेते हैं, क्योंकि निकालने वाला जाए तो खुद फंस जाए। और रस्सी फेंकी तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारी रस्सी तो सन की बनी है, हम सन की रस्सी पकड़ के नहीं निकलेंगे। तब काहे की रस्सी पकड़ोगे का, हमको तो रेशम की रस्सी लाओ तब पकड़ के निकलेंगे। तो मरेगा कि नहीं मरेगा है? अरे भाई तुम्हें वहां से निकालने के लिए रेशम की रस्सी जरूरी नहीं है, वहां तो पुआल से बनाई हुई जो रस्सी होगी, धान के पुआल से बनाई हुई जो मामूली रस्सी होगी, तो वो भी तुमको वहां से पकड़ कर निकाल लेगी। तो बोले हम नहीं, जो वेद में जो भगवत कथा लिखी होगी सो ही पढ़ेंगे। अरे भाई जो वेद में लिखी है तो वेदज्ञों के लिए रहने दो, और तुम्हारी बोली में जो सुनने को मिलती है, भागवत धर्म की ये विशेषता है कि आप अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने गांव, अपनी जात, अपने परिवार में जैसा भगवान का चरित्र प्रसिद्ध है उसी को सुनिए। जान लोके गीतानी, इस पर एक बड़ी भारी पंडिताई की बात वल्लभाचार्य ने कही। वो अब वो पंडिताई की बात तो पंडित लोग जानते हैं, संस्कृत भाषा में और खास करके वैदिक भाषा में ये बात मानी जाती है कि शब्द और अर्थ का संबंध औत्पत्तिक है, माने जहां अर्थ रहता है वहीं शब्द रहता है, और
दोनों एक साथ ही उदय होते हैं और शब्द से अर्थ और अर्थ से शब्द और शब्द से अर्थ, इस प्रकार दोनों एक ही भूमिका में रहते हैं। तो शब्द और अर्थ का औत्पत्तिक संबंध है। यदि हम किसी वैदिक शब्द का उच्चारण करने लगे तो उसका अर्थ हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। यदि हम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलने लगेंगे तो शिव पद का जो अर्थ है वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। अभी देखो नाम की बात सुनाई जा रही है। हम सीकर गए थे तो वहाँ एक वृद्ध विद्वान मिले, तीन चार शास्त्र के आचार्य थे, व्याकरण के, वेदांत के, न्याय के, साहित्य के, बड़े वृद्ध। तो अपना अनुभव सुनाने लगे। उन्होंने कहा स्वामी जी मैंने करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा की, एक करोड़ पार्थिव लिंग की बना के, रोज कितने लिंग बनाना और चंदन अक्षत बिल्व पत्र से उनकी पूजा करना, एक करोड़ लिंग की पूजा की और शिव मंत्र का जप किया। और जब शिव जी का साक्षात्कार हमको नहीं हुआ तो मैं मंदिर में बैठा बैठा सोचने लगा कि व्याकरण के मत में भी शब्द और अर्थ भिन्न है, साहित्य मत में भी है, वेदांत मत में भी है, मीमांसा मत में भी है शब्द और अर्थ का अभेद, और हमको इतने दिन शिव 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 शिवाय नमः नमः शिवाय करते बीत गया और हमको शिव जी का दर्शन नहीं हुआ, तो ये शास्त्र के सिद्धांत सब गलत है। और जब मैं ऐसे सोचने लगा तो त्रिशूलधारी और जटाजूट और चंद्रमा और गंगा और वो कर्पूर गौर शंकर भगवान झट मंदिर में लिंग में से निकल के प्रकट हो गए। वो हंसने लगे, बोले कि नहीं शास्त्र का सिद्धांत गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। नाम और रूप ये दो चीज नहीं है, एक ही मूल है दोनों का। सच्चिदानंद ही वस्तु है और उसमें नाम रूप एक साथ कल्पित है। देखो आपको सुनाते हैं। तो नाम और रूप दोनों माया होने से भी एक हैं, उपाधि होने से भी एक हैं, प्रकृति होने से भी एक हैं, शब्द और अर्थ का अभेद होने से भी एक है। लो नाम का उच्चारण करो। तो जहां हम वैदिक शब्द का उच्चारण करते हैं संस्कृत व्यक्ति संस्कृत शब्द का उच्चारण करे, ये भी एक है। संस्कार संपन्न व्यक्ति और संस्कृत शब्द का उच्चारण करे तो वो जो संस्कृत पदार्थ है वो उसके सामने प्रकट हो जाएगा। और ये नाम और रूप जो है ना, शब्द और अर्थ का बागर्थायुव संपृक्त बागर्थ प्रतिपत्तये रघुवंश ऐसे प्रारंभ होता है। तो भगवान का नाम लो। बोले कि ठीक है, जो वैदिक हैं संस्कृत शब्द हैं वहां तो नाम और अर्थ अभिन्न है, परंतु जो लौकिक शब्द हैं सो। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि ये जो लौकिक शब्द हैं ये अभिन्न नहीं है, ये तो बाहर से लोग अर्थ पर इनको थोपते हैं, परंतु उन नामों का अर्थ तो होता ही है। इसलिए तदर्थकानी गीतानी नामानी, तदर्थकानी कहने का अभिप्राय यही कि भले गंवारू शब्द अलग हो परंतु यदि उसका अभिप्राय परमेश्वर में हो। एक उद्योगपति के संबंध में मैंने सुना, वो किसी महात्मा के पास गए थे महाराज। महात्मा था बड़ा फटकर। उन्होंने पूछा कि तुमको क्या चाहिए। बंबई में एक घर से लोग हमारे पास आते हैं, बहुत धनी है। तो पत्नी ने कहा कि हमको तो बेटे चाहिए।
तो महात्मा ने कहा जाओ तुमको सात बेटे होंगे, और पुरुष ने कहा कि हमको धन चाहिए, तो बोले जाओ तुमको धन मिलेगा। वो दोनों पति पत्नी किसी साधु के पास गए, तो साधु ने, अब आप लोग करने मत लगना, हम आपको बता नहीं रहे हैं, है ना। उसने कुछ दे दे, कुछ दे दे, ऐसा कुछ बता दिया। तो तुम इसी को दोहराना, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। और ये दे 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 कह के मैंने गड़बड़ा दिया उसको, है ना, है ना। हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ बता दिया, तुम दे दे बोलना, दे दे बोलना, और तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे, पैसा भी आ जाएगा। अब महाराज उन लोगों ने वही किया, और उनके घर में सचमुच सात बच्चे भी हो गए, और करोड़ों रुपए की संपदा भी आ गई। ये बात है, तो ये तो कोई वैदिक नाम नहीं है, जेदे तेदे वैदिक नाम नहीं है। ये तो साबर मंत्र जैसे होते हैं, अनमिल आखर अरथन जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। नाम प्रभाव जान हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अरथन जापू, प्रगट प्रताप महेश प्रतापू। भगवान का नाम लो, गवारू नाम लो, गवारू। अभी कनुआ कोई शास्त्रीय नाम है, कनुआ, कान्हा, कन्हा, है ना। तो ये देखो, तो गलत, ये देखो, भगवान के अर्थ को सूचित करने वाला कोई भी शब्द और किसी भी भाषा में, और गवारू से गवारू भाषा में यदि चलता हो तो आप बारंबार उसको सुनिए, और सुनने को न मिले तो गाइए, और गाने को न मिले तो गुनगुनाइए। एक बात है, इसमें दो फंदा हम, इसमें वर्णन है, श्लोक में ही वर्णन है, दो फंदे हैं मनुष्य पर। आप श्लोक के अर्थ पर ध्यान दीजिए तो मालूम पड़ेगा, दो फंदे हैं। एक तो भगवान का नाम बोलने में शर्म आती है, हैं? और एक संसार की वस्तुओं में आसक्ति बहुत होती है, उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। ये दो बात है, हो गायन विलज्जो विचरे असंगा। तो असंगा में एक पाप का खंडन है, और विलज्जा में एक पाप का खंडन है। पास माने फंदा, दुनिया में ईश्वर से विमुख करने वाले दो फंदे हैं। वो तो श्लोक के अर्थ पर, जैसे वकील लोग, जैसे जज लोग, जैसे कानून के शब्दों पर ध्यान देते हैं ना, वैसे जब एक एक शब्द पर ध्यान देंगे तब उसका अर्थ निकलेगा। तो ये हम नाम तो लेते हैं, भजन करते हैं, मीराबाई के भजन गाते हैं, नंददास, परमानंददास, सूरदास के भजन गाते हैं, वो हित हरिवंश हरिदास हरिव्यास देव के वो महाराज भजन गाते हैं, परंतु बोले हृदय में रस की उत्पत्ति तो नहीं हुई। बोले रस की उत्पत्ति, देखो एक तिरस्कार आप क्या कर रहे हो कि भगवान को तो गाते सुनते हो, और प्रेम कहीं और है तुम्हारा। भगवान कहेंगे भाई हमको तो रूखा सूखा, संत तुकाराम के घर में कोई आया था हो मेहमान, तो जो तुकाराम जी की पत्नी थी ना, वो जरा दूसरे विचार की थी। तो जब दूध परसने लगी, तब उन्होंने जब संत को दूध परसा तो चम्मच से मलाई को रोक दिया कि उसके कटोरे में गिर न जाए, और जब तुकाराम जी को दूध परसा तो चम्मच हटा दिया, मलाई उनके कटोरे में गिर गई, है कि नहीं।
तो आप मलाई तो खिलाना चाहते हैं संसार के रिश्तेदारों को, और नीचे वाला जो दूध है वो पिलाना चाहते हैं भगवान को, भोग लगाने में फर्क है ना। वो समझते हैं, देखो हम अपने पुराने जीवन की एक बात सुनाते हैं, आप लोग उसको आप मत जोड़ लेना, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं। अब तो आप सोने के बर्तन में खाएं और हमको पत्ते पर दे दें तो हमको खुशी होगी, वो हमारे स्वरूप के अनुरूप होगी। आप हमारी इज्जत करते हैं, हम समझेंगे आप हमारी इज्जत करते हैं। किसी सेठ के घर खाने गया तो वो तो चांदी के बर्तन में खाने को बैठा और हमको स्टील का दे दिया, तो हम बार बार चांदी की ओर देखें। हमारे मन में आवे कि ये हमसे अपने को बड़ा समझता है, इसके घर में खाने लायक नहीं है, है ना। और बहुत करके उसके बाद में बहुत दिनों तक उसके घर में खाने को कभी गए, मन में ये बात बैठ गई कि ये हमसे अपने को बड़ा समझता है, ये तिरस्कार करता है, बोला। तो आप प्रेम तो देते हैं संसार को, प्रेम का जो स्वाद है, बढ़िया से बढ़िया चीज है, आ सकती है, वो तो देते हैं संसार को, और ऊपर से नाम लेते हैं भगवान का। और एक बात और है कि यदि आपको कभी कोई बुरा काम करना पड़े और उसमें शर्म आवे, तो शर्म तो भगवान की बनाई हुई लज्जा बड़ी बढ़िया वृत्ति है, और ईश्वर ने खास अपने हाथ से लज्जा बनाई है कि आदमी बुरा काम करने में शर्मिंदा होए, लज्जित होए कि ये काम बुरा है, हम नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, जब भगवान का नाम लेना हो तो आपको शर्म आती है, तो भगवान समझते हैं कि हमारा नाम लेने को बुरा समझता है। क्यों, आप दुनिया का सब काम करते हैं वो बढ़िया है, और भगवान का नाम लेना हो तो उसमें आपको शर्म आती है। तो दो बात छोड़ दीजिए, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का श्रवण, है ना, आपकी सोसाइटी में आपके लिए लज्जाजनक है तो आप उस सोसाइटी छोड़ दीजिए, आप उस कंपनी को छोड़ दीजिए। देखो हमने तो पिछले दिनों देखा था, वो कोई हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो अदालत में आते थे तो चंदन लगा के आते थे, और चंदन भी वो लंबा और तिलक हो, और तिलक सब तिलक किया। तो रामानंदी लीक, जमुना पार से दीख पड़े ज्यो गाड़ी के लीक। वो लंबा चंदन, ये आयंगर जो थे ना राज्यपाल, अनंत सेना आयंगर, उनको मैंने देखा, वो तिलक लगाते थे। आपको अब वो भगवान का तिलक लगाने में शर्म आती है, मंदिर में जाने में शर्म आती है, नाम लेने में शर्म आती है, पूजा करने में शर्म आती है, लोग समझेंगे कि ये तो पिछड़ा हुआ है, हे भगवान। तो आप लज्जाजनक कर्म समझते भगवत भजन को, ये भगवत भजन का हो गया तिरस्कार, और प्रेम का रस देते हैं संसार को और भगवान को रुखा सुखा, भगवान को रुखा सुखा। तो ये दो बात छोड़कर, गवारू अपनी भाषा का भगवान नाम चाहे सुनिए, चाहे गाइए, चाहे गुनगुनाइए। और एक जगह न रहना हो तो घूमते भी रहिए। एक स्थान में फंस जाने से
दूसरे स्थान में जो हमारे भाग्य की वस्तुएं होती है ना, उनको आने में थोड़ी मुशक्कत पड़ती है, थोड़ा परिश्रम पड़ता है। और यदि हम घूमते रहे तो जहाँ जो हमारे भाग्य का है वहीं मिल जाता है। थोड़ा घूमते रहना चाहिए। और तो स्थान में बंधना नहीं, वस्तु में बंधना नहीं और व्यक्ति में बंधना नहीं। विचरे आपको सुनाते हैं। एक बार हम तीर्थ यात्रा में गए स्पेशल ट्रेन, और हमारे पास कुछ नहीं था। गए स्पेशल ट्रेन में तो मुफ्त में ले गए थे, ले जाने वाले मुफ्त में ले गए थे। हमको तो सोने का बर्थ मिल गया था। अच्छा, खाने को एक सेठ थे उसी ट्रेन में, वो हमको रोज खिलाते थे, बहुत पुरानी बात है। और पैसा हमारे पास 2 रुपए से ज्यादा नहीं था। सन्यासी होने के पहले की बात सुना रहा हूं। मद्रास के बीच स्टेशन पर गाड़ी खड़ी थी, अंधेरे में एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ आया, हमारा दोनों हाथ पकड़ के और उसमें नोटों का बंडल रख के और अंधेरे में गायब हो गया। वो तो बहुत ज्यादा था। आप सोचो, वो हमारे हिस्से का जो वहां था, वो मद्रास जाने से हमको जल्दी मिल गया है ना। गंगा किनारे रहते ना, तो उसके आने में बहुत देर लगते। तो आपको ये सुनाते हैं कि एक स्थान का बंधन, एक वस्तु का बंधन कि हम ये खाएंगे तो जिएंगे और नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, और एक व्यक्ति का बंधन, ये हमारे साथ रहेगा तो हम सुखी रहेंगे नहीं तो दुखी रह जाए हो जाएंगे, ये छोड़कर। विचरण, इसका नाम विचरण है। आसक्ति मत कीजिए, लज्जा मत कीजिए, भगवान के नाम को सुनिए, गाइए, गुनगुनाइए, अपने जीवन का ये कर लीजिए व्रत। एवं व्रतः, ब्रह्मचर्य का व्रत दूसरा है, एकादशी का व्रत दूसरा है, संतोषी माता का व्रत दूसरा है, ना? रानी सती का व्रत दूसरा होता है, संतोषी माता का व्रत दूसरा होता है ना? हनुमान जी का व्रत दूसरा होता है। परंतु अपने जीवन में ये भगवान नाम का व्रत स्वीकार कर लेते हैं। एवं व्रतः, प्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो। अब प्रेम की बात आती है। एक ने कल भी कहा, परसों भी कहा कि महाराज आप थोड़ी सामयिक समस्याओं पर भी बोली तो उस दिशा में हमारी दृष्टि स्पष्ट होगी, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होगा। सामयिक समस्याओं पर भी बोली, ऐसा एक ने शायद आज भी कहा, कल भी कहा था, परसों भी कहा। और एक ने कहा था कि थोड़ा थोड़ा रस की बात भी सुना। तो अब आपको कल हम रस की बात भी सुनावेंगे इसी श्लोक की व्याख्या में, और सामयिक चर्चा भी सुनावेंगे। एवं व्रत स्व प्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्च असत्योरोति रौति गायत्युन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य खम वायुमग्निम सलिलम महीम ज्योतिम सत्वानी दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम जत्किंच भूतम प्रणमेदनन्या। ओम।